संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहां क्यों नहीं लोगों ने चलवा दे रहे हैं, करवा दें हजारों लोगों को। मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा, वह अपनी बात दाना को रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। तीन दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वह अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। अग्निपथ स्कीम को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, उसके बाद देश के कई राज्यों में आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ की घटना सामने आई। सबसे ज्यादा नुकसान और हंगामा बिहार में देखने को मिला। बीजेपी के कई दफ्तरों पर भी युवाओं द्वारा तोड़फोड़ किया गया। इस दौरान अग्निपथ को लेकर बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बीच गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। 18 जून को अग्निपथ विरोधी प्रदर्शन को लेकर दोनों दलों के बीच में मतभेद खुलकर सामने आ गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान बिहार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया, वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, जायसवाल अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी अग्निपथ पर छात्रों की मंशा को समझ नहीं पाई और छात्रों की आशंका को दूर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो संजय जायसवाल और जदयू के ललन सिंह का क्या कुछ कहना है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्या है, पहले वो सुन लीजिए। जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा वह अपनी बात दाना को रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। तीन दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वह अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना, अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं, उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तक्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया सड़क पर आकर। यह अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस के का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहां क्यों नहीं लोगों ने चलवा दे रहे हैं, मरवा दें हजारों लोगों को? वहां की सरकारों को, संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित है।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने संजय जायसवाल के आवास पर हमला किया और न सिर्फ संजय जायसवाल के घर पर बल्कि समस्तीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर के सामने भी विरोध प्रदर्शन आगजनी किया। नवादा समेत कई जिलों में भी बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद संजय जायसवाल ने उपद्रवी पर एक्शन को लेकर पुलिस प्रशासन को घेरा था। बिहार बीजेपी चीफ के आरोपों पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने काफी तीखी भाषा में जवाब भी दिया। जदयू के ललन सिंह को पुलिस पर आरोप लगाने के बाद संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिसमें कहा कि आपको अच्छी सोच के लिए भगवान बुद्धि दे। अग्निपथ को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच में लगातार बहस जारी है और विरोध प्रदर्शन भी जारी है। बीजेपी लगातार आरोप भी लगा रही है कि इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है। इस पर बिहार के नेताओं का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। 6 महीना ट्रेनिंग मोदी जी किसके लिए, राजनाथ जी किसके लिए, आपके जितने यार मित्र हैं अदानी अंबानी आर के सिन्हा या जितने सिक्योरिटी वाले से आपके रिश्ते हैं, यहाँ से निकलने वाले ट्रेंड करके आप उसको देना चाह रहे हैं? देखिए, ये युवाओं के नाम पर जो शरारती तत्व हैं, जो बिहार को और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे तत्व इस तरह के आंदोलन में उनका प्रवेश हुआ है और उसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी है। देखिए, शरारती तत्व हैं और उसके पीछे जो एक राजनीतिक जो ताकत है वो ऐसे लोगों की ताकत है जिसने बिहार को दोहन करने का काम। जब बिहार में अग्निपथ पर हिंसा रोकने में नाकामयाब होने पर शासन प्रशासन पर सवाल उठने लगे तो जदयू नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और केंद्र सरकार के स्कीम अग्निपथ पर सवाल उठाने लगे। गुस्सा छात्रों का स्वाभाविक रूप से भारत सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि यह जो निर्णय है, जिस निर्णय के खिलाफ आज सड़क पर छात्र नौजवान हैं, यह निर्णय को बिहार सरकार का निर्णय नहीं है, भारत सरकार का निर्णय है। और इसमें तो पार्टी की ओर से हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना व्यू बताया भी है। भारत सरकार से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि भारत सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि भारत सरकार का निर्णय है तो गुस्सा उनके प्रति ही होगा, और इस तरह का गुस्सा कोई बहुत समझ बूझ कर गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि छात्र हैं, नौजवान हैं, तो उनके अंदर गुस्सा तो हो ही जाता है इस तरह की स्थिति में। तो इस रूप में गुस्सा है, इसलिए लोग टारगेट कर रहे होंगे। आपको बता दें कि संजय जायसवाल के बिहार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जाने के कुछ ही देर बाद खबर आई कि केंद्र सरकार ने उन्हें और बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के अलावा लगभग एक दर्जन से ज्यादा विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच में गठबंधन की सरकार है जिसमें जदयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी के रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद दो दो डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में यह संदेश जा रहा है कि बीजेपी को बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुरक्षा पर भरोसा नहीं है, जो वाई श्रेणी की सुरक्षा बिहार में नेताओं को मुहैया कराई गई। अब दोनों पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर तीखे हमले का अंजाम क्या होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार के अलावे यूपी और 12 राज्यों में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।